मतलब इस टाइम में तैयार हूँ, वो पता नहीं वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जैसी मेरी तैयारी है और जैसे भी मतलब ट्रेनिंग हो रखी है, तो हाँ मैं तैयार हूँ, मतलब कि मैं 90 मीटर इस साल क्रॉस कर दूंगा। एक दो ओलंपिक्स पहले जाए तो लंदन ओलंपिक्स में 84 कुछ में गोल्ड था 84 मीटर में, तो वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे, और रियो में भी मतलब 90 मीटर में था लेकिन 85 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था। तो सर ये पता नहीं लगता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिछले दोनों ओलंपिक से शायद मेडल इस बार ज्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि जो अभी का जो ग्रुप है जेवलिन का वर्ल्ड में, तो वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ग्रुप है, क्योंकि 90 मीटर के ऊपर के काफी थ्रोवर हैं, और अभी जो थ्रो लग रही हैं वो सबसे बेस्ट अभी इस टाइम ग्रुप है, क्योंकि पहले जो जेवलिन थ्रोवर होते थे वो वर्ल्ड में 2 से 3 या 3 से 4 तक ही बेस्ट होते थे, लेकिन अभी 6, 7 या 8 जेवलिन थ्रोवर भी ऐसे हैं कि जो काफी 87-88 के ऊपर ही रहते हैं। तो अभी का जो ग्रुप है वो काफी मतलब कॉम्पिटिशन टफ हो रखा है, तो हाँ ये है कि पिछले कॉम्पिटिशन से, पिछले ओलंपिक से बेटर जा सकते हैं अभी, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता कि कितने मीटर तक जाएगा, वो तो किसी को नहीं पता। लिए खुशी की बात है कि लोग मतलब मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस चीज को मतलब ज्यादा सर पे ना चढ़ने दूं और इस चीज का प्रेशर ना ही लूं, क्योंकि अगर मैं इस चीज को ऐसे मन में लाके ट्रेनिंग करने लग गया कि लोग मुझसे इतने एक्सपेक्टेशन है और मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा और मुझे अपना 100% देना ही पड़ेगा वहां पे, अगर मेडल नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना ही सोचूं। मैं बस अपना 100% दूंगा जी वहां पे, वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपना 100% दे के आऊंगा, और बाकी मेडल आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, वो किसी को नहीं पता कि किसका आएगा किसका नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं इतना मतलब और ऐसे कर सकता था, वो बात नहीं रहनी चाहिए। तो अपना 100% जितना भी हमने ट्रेनिंग किया जो भी किया है उस दिन मैं अपना पूरा लगा दूंगा।